दोस्तों क्या आप जानते हैं पौराणिक इतिहास में मांगे गए तीन चतुर वरदान, ऐसा वरदान जिसमें मांगने वाले का चतुराई को समझकर देने वाले का सिर चकरा गया था। सबसे पहले महाप्रतापशाली राक्षस तारकासुर का वरदान, जिन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है कि उसकी मृत्यु महादेव के 7 साल के बच्चे के अलावा किसी और के हाथ में ना हो, और महादेव का वह बच्चा जिनके जन्म में किसी की औरत का सहयोग ना हो। तारकासुर सोचता था कि बिना औरत के बच्चा भला कैसे पैदा हो सकता है, फिर भी माता पार्वती के वंश के बिना कार्तिकेय का जन्म होता है और तारकासुर का वध हो जाता है। दोस्तों जहां उत्पत्ति है वहीं विनाश तो निश्चित है। सेकंड में आती है सती सावित्री। देवी सावित्री के पति सत्यवान के मृत्यु के बाद जब जमराज उसके प्राण जमपुर ले जा रहा था तब देवी सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलती रहती है, जिसमें जमराज परेशान होकर उसको 3 वरदान देने का वादा करता है। सावित्री सबसे पहले उसके ससुर के नेत्र दृष्टि ठीक करने को बोलती है और फिर मांगती है कि अपने ससुर का खोया हुआ राज्य फिर वापस मिल जाए, और बोलती है कि उसको अपने स्वामी के 100 पुत्रों का मां बनने का आशीर्वाद दीजिए। फिर जमराज उसको तथास्तु कहते हैं। दोस्तों वरदान देने के बाद जमराज न चाहते हुए भी सत्यवान का प्राण लौटाना पड़ा, जिसके कारण उसके मृत पति पुनः जीवित हो जाता है। आखिर में आता है राक्षस हिरण्यकश्यप का कहानी, जिन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है कि उसकी मौत कोई भी देवता गंधर्व राक्षस के हाथों में ना उसकी मौत दिन में हो या रात में हो। उसको ब्रह्मदेव से यह शक्तिशाली वरदान जरूर प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसे माना जाता है कि जन्म के साथ साथ मृत्यु भी निर्धारित रहता है, समय आने पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार से उसकी मौत हो जाता है। दोस्तों अब एक बात तो क्लियर है, हमारा धरती पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना। नमस्कार।